ये लो अंकल, आपका दिवाली का बोनस 20,000 रुपए। देखा, चपरासी को 20,000 रुपए मिले हैं, हमें तो 40,000 ही मिलेंगे। इस बार तो हमें मजा आने वाला है और इस बार हमारी दिवाली भी काफी अच्छी जाएगी। रीत, ये तुम्हारे 10,000। राम, ये तुम्हारे भी 10,000। और वीरू, ये तुम्हारे भी 10,000। सर, आपने चपरासी को 20,000 रुपए दिए और हमें 10, ऐसा क्यों? यस सर, हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे और हम इनसे अच्छी पोस्ट पर है, फिर भी आपने हमें 10,000 रुपए दिए। सर, आपने इनको 20,000 रुपए दिए तो हमें तो कम से कम 40 या 50,000 रुपए मिलने चाहिए ना। अच्छा, तो तुम सबको ऐसा क्यों लगता है? सर, हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें सैलरी पोस्ट के हिसाब से मिलती है, तो हमें बोनस भी पोस्ट के हिसाब से मिलना चाहिए ना। और ये करते भी क्या है? सर, ये बिल्कुल सही बोल रहे, हमें हमारे काम के हिसाब से इनाम मिलना चाहिए। हाँ, तो आपके काम के हिसाब से तो इनाम दे रहा हूँ आपको। सर, काम के हिसाब से तो इनके 1,000 रुपए बनते, पर आपने इन्हें 20,000 रुपए दिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन्हें 1,000 रुपए मिलने चाहिए? हाँ सर, ये काम भी क्या करते हैं, गेट खोलना, सल्यूट मारना, गाड़ी से छोटा मोटा सामान निकालना, इसे आप काम कहते हो? अच्छा, तो ये बात है। और पहली बात तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर उस काम को ईमानदारी से किया जाए तो। सर, हम लोग भी तो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अच्छा, तो आज मैं तुम तीनों को बता ही देता हूँ कि तुम अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हो। तुम्हारा ऑफिस टाइम पता है क्या है? सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का। और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग कभी 9:15, 9:30 और कभी कभी तो तुम 10 भी बजा देते हो। और शाम को 5 बजे से पहले निकल जाते हो, 4:30 बजे तुम अपने बैग पैक करने शुरू कर देते हो। और इनका टाइम पता है? इनका टाइम भी 9 बजे से 5 बजे तक का है, लेकिन ये सुबह 5 बजे आके यहाँ बैठ जाते हैं, अपनी साफ सफाई करते हैं, अपना काम करते हैं, और रात को सबसे लेट जाते हैं। तुम सब यहाँ से निकल जाते हो उसके बाद ही यहाँ से निकलते हैं। मैंने तुम तीनों को जब भी रुकने का बोला, लेकिन तुम लोग रुके नहीं, तुम लोग अपनी मर्जी से निकल जाते थे। और आज जब मैं अपनी मर्जी से बोनस दे रहा हूँ तो तुम तीनों को बोलने का कोई भी हक नहीं है। सर, मैं जाऊँ? अभी तक तो टाइम भी नहीं हुआ है और तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। सर, घर पे थोड़ा अर्जेंट काम है, कब से कॉल आ रहे हैं। सर, आज मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। पर क्यों, अभी तो मीटिंग है। हाँ सर, पर मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है। ठीक है, जाओ। सर, आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। पर क्यों? सर, वो आज मम्मी कहीं बाहर गए हुए तो घर पे कोई है नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। अरे, आप अभी तक घर नहीं गए? सर, मैं आपसे पहले घर कैसे जा सकता था, आपकी मीटिंग चल रही थी। चलिए कोई ना, मैं घर ही जा रहा हूँ, आपको भी घर छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं साहब, मेरे पास साइकिल है, मैं चला जाऊंगा साहब। आप लोगों ने कभी भी कंपनी को अपना समझ के काम नहीं किया। अगर आप अपना समझ के काम करते तो कंपनी भी आपको बहुत सपोर्ट करती। और ये कोई स्पेशल बोनस नहीं है, पिछले साल भी आपको यही बोनस मिला था। जैसा काम करोगे वैसा बोनस मिलेगा। और आपको पता है कि मैंने इनको ज़्यादा बोनस क्यों दिया? क्योंकि ये टाइम से पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं, जो आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी इन्हें सपोर्ट करती है। और आप लोगों ने वो कहावत सुनी है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है।